हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं क्या जॉब करता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये वीडियो होने वाली है कि मेरी जॉब क्या है। तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ बनिंग्स में। ये एक वेयर हाउस है और यहाँ घर का और घर बनाने का सारा सामान मिलता है, जैसे फर्नीचर हो गया, सीमेंट, वुड और प्लम्बिंग प्लांट्स वगैरह वगैरह सारा। इससे पहले मैं काम करता था काउंटडाउन में, जो कि एक सुपरमार्केट है। वहाँ मैं एज अ ऑनलाइन असिस्टेंट काम करता था। तो वहाँ मेरा काम था कि जैसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे को उनको रेडी करना था डिलीवरी के लिए। तो काफ़ी ईजी काम था, पर वो काउंटडाउन मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। जैसे अगर बस से जाओ तो कम से कम 2 घंटे लग जाते थे और कार से आधे घंटा। तो मुझे आसपास चाहिए था, तो मैंने वहाँ रिज़ाइन कर दिया और मैं वहाँ सिर्फ 18 घंटे काम कर रहा था हफ्ते के, मतलब सिर्फ सैटरडे और संडे। बनिंग्स की जॉब मुझे फेसबुक के थ्रू मिली। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप उस कम्युनिटी पेज में पोस्ट करो तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो मुझे जो बनिंग्स की हायरिंग मैनेजर है उसका टेक्स्ट आया कि अपना सीवी भेजो। तो मैंने अपना सीवी भेजा, फिर मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ और फिर मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने वहाँ ज्वाइन करा था अभी इसी महीने 8 नवंबर से। अभी मैं आया था हैगली पार्क और जो परसों इंडिया ODI होने वाला है तो वो इसी पार्क में होगा। तो अभी यहाँ पे परसों के लिए प्रिपरेशन टाइप की हो रही है, ये सारा लग रहा है। अभी मेरा बहुत मन था कि मैं उस मैच को देखने आऊँ, क्योंकि ये मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट दूर है, पर मैं आ नहीं सकता क्योंकि उस दिन मेरी जॉब की ट्रेनिंग है, वो भी सीधे 2 है। तो यहाँ मुझे एक आइल दी हुई है, तो मुझे वो मेंटेन करनी पड़ती है। मेंटेन यानी जैसे शेल्फ पे अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे मेरा पॉट्स वगैरह वाला पूरा शेल्फ है, पॉट्स हो गया और सीज़र वगैरह जो गार्डनिंग सीज़र होती है, ग्लव्स वगैरह, तो अगर वो शेल्फ पे नहीं है तो मुझे वो शेल्फ पे लगाने पड़ते हैं। जैसे हैंड स्टॉक होगा, ऊपर होता है एक्स्ट्रा वगैरह, तो उसको निकालना है, फिर उसको शेल्फ पे लगाना है। तो ये सारा मेंटेन करना है। फिर उसके बाद मुझे फर्नीचर एरिया में जाना पड़ता है। तो फर्नीचर में और फर्नीचर या बारबेक्यू, तो उसमें जैसे अगर किसी कस्टमर की क्वेरी है तो वो सॉल्व करनी है। जैसे उनको अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछना है और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कब तक आएगा, ये सारा। और स्टॉक को चेक करते रहना है कि जैसे अगर कोई नया स्टॉक आया है तो उसको जल्दी से स्टोर के अंदर लगाना है या शेल्फ वगैरह फिल करनी है उससे, ये सारा है। और अगर जैसे कुछ स्टॉक ज़्यादा आ गया है कि अगर शेल्फ पे वो चीज़ नहीं आ रही है, तो उन सबको एक पैलेट में रख के रैप वगैरह करके उसको टॉप स्टॉक में डालना पड़ता है। तो ये सारा काम होता है। ये मेरे घर के बहुत पास है, अगर कार से जाऊँ तो 5 मिनट लगते हैं और बस से 15 मिनट। यहाँ मैं वीक के 40 आवर्स काम कर रहा हूँ, तो मतलब 8 आवर्स पर डे के हिसाब से 5 दिन काम करता हूँ और 2 दिन मेरा ऑफ होता है। तो अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो 2 दिन ऑफ होगा। जैसे मेरा है संडे मंडे ऑफ, क्योंकि एक वीकेंड आपको काम करना ही पड़ेगा, या तो सैटरडे करना पड़ेगा या फिर संडे करना पड़ेगा। तो मैं सैटरडे को करता हूँ, तो मेरा संडे मंडे ऑफ रहता है। तो अगर आप 8 घंटे कर रहे हो दिन के, तो उसमें आपको मिलते हैं 3 ब्रेक, जैसे 2 हो गए 15 मिनट वाले और 1 हो गया 30 मिनट वाला। तो जो 15 मिनट वाले होते हैं वो पेड होते हैं, उनका आपको पैसे मिलते हैं, पर जो 30 मिनट का होता है उसके पैसे नहीं मिलते। अगर आपकी 8 घंटे वाली शिफ्ट है तो वो 8.5 घंटे की होती है, क्योंकि उसमें आधा घंटा ब्रेक का होता है जो कि पेड नहीं होता है। तो 8.5 घंटे शिफ्ट मान के चलो और 8 घंटे के आपको पेड होता है। तो ये जैसे आइल 7, तो इस पूरी आइल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ये ऊपर से स्टॉक नीचे लाना है, और अगर कहीं पर गैप है, जैसे यहाँ पर गैप है, अगर पीछे है तो आगे कर दो, और अगर ऊपर बचा है तो उसको यहाँ पे भर दो। तो अभी जैसे ये हैं ऊपर, और इनको बिना सीढ़ियों के नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक मशीन दे रखी है हमें, इसकी अलग ट्रेनिंग होती है, तो अगर इसकी ट्रेनिंग कर ली है तो हमें की मिल जाती है, फिर हम ये ऊपर से इस मशीन के थ्रू निकाल सकते हैं, जो कि ईजी हो जाता है। Get up, 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 get up
आते हैं पे पे। तो मेरे को पहले काउंटडाउन वाली जॉब में मिलते थे $21.20, जो कि यहाँ अगर आप कोई नई जॉब कर रहे हो तो बेसिक ही पे मिलता है। और मुझे यहाँ का भी यही लगा था कि बेसिक ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी वेयर हाउस के साथ काम नहीं करा था, मतलब बनिंग्स के साथ काम नहीं करा था, तो मुझे इतने की उम्मीद थी। पर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा तो उसमें $22.20 था, तो यहाँ मुझे मतलब 22 मिलते हैं, और फैब के बाद $1 और बढ़ जाएगा, और अगर आपका प्रमोशन होता है तो फिर भी $1 और बढ़ जाएगा। ऐसी हर साल बढ़ता रहता है, हर साल या 6-6 महीने में, कहीं 6 महीने में होता है तो कहीं साल में होता है। तो यही था मेरी जॉब का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।